ओके सो थैंक यू वेरी मच डियर ऑल. आप सभी को मेरे ख्याल से आवाज़ अब ठीक से आ रहा है. और सेकंड हमारा क्वेश्चन हमेशा जैसे होता है, क्या आपको यहाँ पर असाइनमेंट का प्रिंट दिख रहा है साइड में प्रेजेंटेशन? ओके सो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो विजिबल. सो नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस असाइनमेंट जो डे वन का असाइनमेंट है. अभी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो रख रहा हूँ. आज हम सिर्फ एक ही असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ लोगों ने आपने जो असाइनमेंट्स सॉल्व किए वो मुझे सेंड किए सॉल्व करके उसके फोटोग्राफ्स. एक्चुअली मैं हर किसी का पूरा असाइनमेंट चेक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मोबाइल में सभी इतने सारे इमेजेस चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है. बट आई एम हैप्पी टू सी दैट यू आर अटेम्प्टिंग. आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है. एक इंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा गया वो ऐसा था कि हमें नोटबुक्स कौन से करने चाहिए. आइडियली अभी आपको दो नोटबुक्स कर लेने चाहिए, वैसे तीन करने पड़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री भी शुरू करूँगा मैं नेक्स्ट वीक में. अभी आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए एक एक अलग अलग नोटबुक कर लेना चाहिए. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हमें नोट्स निकालने चाहिए. ऑब्वियसली बेटा हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं सीखते हैं फिर वो क्लासरूम रहे या फिर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट में उसके नोट्स बनाना ये कभी भी बहुत अच्छी आदत होती है ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ समझने के लिए और ध्यान में रहने के लिए. सो मेरा पहला इंस्ट्रक्शन आप सभी को ये है कि आप नोटबुक बनाओ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. उसमें हर वीडियो देखने के बाद हर लेसन देखने के बाद अपने नोट्स बनाओ और उसी में डेट वाइज नोट्स और डेट वाइज असाइनमेंट सॉल्व करो. उन नोटबुक में असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद अभी के लिए जब आप मुझे सेंड करना चाहो कि सर मैंने सॉल्व किया तो आप उसके फोटोग्राफ्स निकाल के मुझे सेंड कर सकते हो सो दैट मुझे पता रहेगा कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो. जब हमारा कॉलेज शुरू होगा उसके बाद में वो नोटबुक्स पर्सनली भी देखना चाहूँगा. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट रिगार्डिंग द नोटबुक्स एंड डाउट्स यानी नोट्स कैसे निकालने हैं और असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करने हैं. तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको क्या क्या करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द असाइनमेंट फॉर द डे वन ऑफ मैथमेटिक्स. इसमें अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सॉल्व नहीं की है तो ये उनका नुकसान है. क्यों? क्योंकि अगर आपने अब तक किसी चीज़ को खुद ट्राई नहीं किया और हम लोग डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन सीखेंगे तो उसमें हम लोग नया कुछ नहीं सीखेंगे. नया हम लोग तब सीखते हैं जब हम लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट आप सभी को कि इसके बाद में जब भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो एक दो दिन के अंदर आप लोग सॉल्व करते जाएंगे. सो लेट अस नाउ डिस्कस this assignment one. I am starting from the first question. So पहला question है which of the following are sets. इसमें पहला है collection of all months of year beginning with letter M. Second है collection of 10 most talented actors in Indian film industry. Third है collection of movies in which Ajay Devgan has acted. फोर्थ है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 एंड फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या ये सेट है? आप साथ साथ मुझे टाइप करके बताते भी जा सकते हो. मैं आपको आंसर्स बताना स्टार्ट कर रहा हूं अब. सो द फर्स्ट क्वेश्चन येस इट इज अ सेट. ये सेट है क्योंकि हमें मालूम है कि पूरे ईयर में कौन से ऐसे मंथ है जो एम से शुरू होते हैं. सो उसको क्या बोला है हमें कि अगर वो सेट है. यस थैंक यू आप लोग यस बता रहे हो. नाउ अगर ये सेट है तो उसको हमें लिखना है. तो पहले याद करते हैं
कि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च एम से शुरू होता है तो इसमें एक आएगा मार्च। मार्च अप्रैल, फिर आता है मई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद में कोई भी नहीं है। तो दिस इज द सेट। तो बहुत सारे लोगों ने इसे सॉल्व करेक्ट किया था, जितने लोगों ने भी मुझे आंसर्स भेजे, आई होप ये फर्स्ट आपको ध्यान में आ गया। सेकंड है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो द सेकंड वन इज नॉट अ सेट। देखो मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं। यस निकिता, थैंक यू। नॉट अ सेट, सेकंड वन इज नॉट अ सेट। व्हाई इट इज नॉट अ सेट? क्योंकि टैलेंटेड का मतलब क्या, टैलेंट कोई मेजर करने की चीज है? नहीं। हम लोग ऐसा अगर बोलते, सुनो ठीक से, अगर हम लोग ऐसा बोलते कि कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टर्स हु हैव वन नेशनल अवार्ड फॉर देयर एक्टिंग इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो हमें मालूम है कि नेशनल अवार्ड का हम लोग लिस्ट मंगा सकते हैं ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में नेशनल अवार्ड विनर एक्टर्स का लिस्ट है, अगर हम वो नाम ले लें तो हमें मालूम है वो कैसे, उसकी डेफिनेशन क्लियर है। बट टैलेंटेड इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए इट इज नॉट अ सेट। तो पहला वाला सेट है, दूसरा वाला नॉट अ सेट है। मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास जो पेन है वो इतना सही ढंग से वर्क नहीं करता है, इसलिए मैं अगर सेट है तो राइट मार्क कर रहा हूं, अगर सेट नहीं है तो क्रॉस मार्क कर रहा हूं। सो टैलेंट कैन नॉट बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होने की वजह से। ओके, नाउ थर्ड वन, कलेक्शन ऑफ ऑल मूवीज इन विच अजय देवगन हैव एक्टेड। ऑब्वियसली थर्ड इज अ सेट, क्योंकि अजय देवगन ने एक्टिंग किए हुए मूवीज कौन से हैं हमें मालूम है, राइट? हम लोग उन मूवीज के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कुछ याद होंगे तो दृश्यम हो सकता है, राइट? तानाजी अभी अभी आया था, सिंघम करके एक मूवी है उन, उसमें भी, राइट? अब क्या मुझे सभी नाम याद आ रहे हैं? मुझे सभी नाम अभी याद नहीं आ रहे। क्या मैं वो सभी पता कर सकता हूं? यस पता कर सकता हूं, इसलिए मैं यहां पर डॉट 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 दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि हाँ और भी है, अभी मुझे मालूम नहीं है। करेक्ट, वेरी गुड यार, आप सभी को सही आंसर्स आ रहे हैं। देन द फोर्थ वन, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑब्वियसली इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये सेट है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 में कौन कौन आएगा? 1, 2, 2, 3, ऐसा करते हम लोग आगे आगे जाएंगे, लास्ट में कौन आएगा? 99। तो लास्ट में 99 लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एंड हो रहा है। तो दिस वॉज द फोर्थ वन। यस कीर्तिराज, थैंक यू। 1 to 99, और आपको दोनों साइड में ब्रैकेट लगाना है। बिप्लव थैंक यू, वेरी गुड, लेकिन सामने वाला भी ब्रैकेट। यस लब्धि थैंक यू, यू पीपल आर रियली यूजिंग दिस टूल वाइजली। हाँ हाँ अश्विनी, आपने 1 to 99 बताया करेक्ट, लेकिन हमें लिखना पड़ता है करली ब्रैकेट्स के साथ, राइट? ओके थैंक यू। नाउ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस, एक्चुअली इसका भी डेफिनेशन नहीं है बेटा हमारे पास, सो व्हाट आई शुड राइट, इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि मोस्ट डेंजरस का डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि डेंजरस का मतलब क्या, हम लोग डेडली, क्या हम डेंजरस का मतलब डेडली ले रहे हैं, फैटल ले रहे हैं, फिर उसमें भी मोस्ट डेंजरस बोलने के बाद क्या अटैक करते ही डेथ होती है, या ऐसा जो कुछ भी है, वी आर नॉट श्योर व्हाट मोस्ट डेंजरस मीन्स। हम लोग इन जनरल बोल जरूर देते हैं, राइट? लेकिन इतना क्लियर नहीं होता है। तो यस द फिफ्थ इज नॉट अ सेट। सो इन दिस वे आई एम श्योर वी हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर यूर आंसर्स, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन रियली गुड मैनर। नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स
द सेकंड क्वेश्चन. सो इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू राइट द सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. आपको रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखना है. तो पहले का आंसर कौन बताएगा? x इज एन इंटीजर एंड माइनस फोर लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5. यस 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 निकिता, लब्धि, आरती, थैंक यू, यू आर डूइंग इट वेरी क्विकली. सो आई विल राइट द आंसर फॉर फर्स्ट. नाउ a इज इक्वल टू माइनस फोर लेस देन x, मतलब x माइनस फोर से बड़ा है लेकिन इंटीजर भी है, तो कौन से है? सो वी हैव माइनस थ्री, देन वी हैव माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. सो इस तरीके से हमारा एक आंसर हो गया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव. यस वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर आ रहा है. ओके दैट्स फाइन बेटा, आप सभी लोग कोशिश करते रहेंगे. नाउ बी का आंसर, हाँ यस, आप लोगों ने टाइप करना स्टार्ट कर दिया है. बी का आंसर नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 7. यस वी आर गेटिंग द आंसर्स, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 है, 6 भी है बेटा उसमें. सो आई एम राइटिंग द आंसर बी. सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 हियर. तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 आंसर्स हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट, थैंक यू. नाउ द थर्ड वन, x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 7. ओके लब्धि, यू हैव टोल्ड द आंसर. सो इट इज 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 16 आएगा, 25, 34, 43, 52 एंड 61, राइट एंड 70. यस श्रृंखल सुजल, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स. आरती ने भी करेक्ट दिया, 70 छूट गया था बेटा कुछ लोगों का. ओके सो सी, तो आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर ढूंढने थे जिनका सम, जिनके डिजिट्स का सम 7 होता है. ओके सो 16 के बाद 25 के बाद 34, फिर 43, आफ्टर दैट 52, उसके बाद 52 के बाद आएगा 61 और उसके बाद आएगा 70. सो इस तरीके से दिस इज अवर आंसर ऑप्शन सी. अब मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, एक्चुअली हम लोग इतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आसान है, लेकिन कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में एक आधा नंबर छूट जाता है हमारा. छूट गया तो डरने की बात नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वक्त ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे निगेटिव मार्क्स लेकर आती है. तो अभी से हमें ऐसी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी चाहिए कि अच्छा मेरा निगेटिव किस वजह से हो गया था. जैसे अगर इस क्वेश्चन में कुछ लोगों का 70 छूट गया था, क्यों छूट गया? क्योंकि 70 का केस हमें ध्यान में ही नहीं आया. ओके नाउ द लास्ट वन डी, इसमें नेशन का हमने लेटर्स पूछे, तो ऑब्वियसली इट इज एन ए टी आई एंड ओ. हम एक ही बार लिखते हैं, हम लोग दो दो बार नहीं लिखते. यस वेरी गुड हर्षदा, आपने जो बताया उसमें एन आपने दो बार लिखा. वैसे लिखा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं लिखते हैं हम लोग, कोई भी लेटर डबल नहीं लिखना है. यस थैंक यू.
ओके मैं हर किसी का नाम लेके पुकार नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हो मुझे, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, राइट, थैंक यू वेरी मच, कीप आंसरिंग, मैं ऑब्जर्व जरूर कर रहा हूँ सबका, कौन कौन आंसर्स दे रहा है मुझे. ओके सो नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वेश्चन करेक्टली. सो नाउ वी आर एट द सेकेंड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट. सो वी हैव द नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25 और हमें इन सेट्स को जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं उनको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है. मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म, यस, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 5 लेस देन इक्वल टू, गुड 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 गुड, आप लोग वैसे यहाँ पर ना आपके मोबाइल में सभी सिंबल्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे अलग अलग तरीके से बता रहे हो, वो सिंबल करेक्ट नहीं है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड आपका आंसर करेक्ट है, जो आप मुझे बताना चाह रहे हो वो करेक्ट है. तो ए कैन बी रिटन, एक हमारा सीधा सीधा ऐसा हो सकता है कि आई कैन राइट ए एज 5x सच दैट x belongs to natural, x is natural and x is less than or equal to 5. So this is one of the answers which is correct. Okay. So जैसे मैंने बताया यहां पर, we can write a is equal to 5x such that x is, x belongs to n and x is लेस दैन इक्वल टू 5. x थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजिंग दिख रहा है, मैं x को क्रॉस के फॉर्म में लिख लेता हूँ. सो 5x, सो अवर a इज 5 टाइम्स x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5. लेकिन जैसे मैंने बताया था, इट इज़ नॉट सफिशियंट. श्रेया, आपने जो बताया वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि x इज मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 सिर्फ बोल दिया तो फिर 30 भी आ जाएगा ना, हमें 25-25 तक रुकना है. इसीलिए हम लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि x लेस देन इक्वल टू 5 है. अब इस आंसर के बाद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे बताया जैसे x इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज बिटवीन 5 to 25, यानी 0 to 30 भी बोला तो, यानी 0 to 26 बोला तो भी चलेगा, तो वो भी करेक्ट है. यस हर्षदा, आपने जो लिखा वो भी करेक्ट है, x इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज लेस देन 6. लेकिन ध्यान में रखो, x इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज लेस देन 6 ये लिखने के बाद क्या हम निगेटिव मल्टीपल्स छोड़ रहे हैं, वो भी ज़रूरी है. इसीलिए मैं चाहूँगा आप लोग जो भी आंसर्स बता रहे हो खुद ही सोचना कि क्या यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस छूट तो नहीं गया, उसके तरफ हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना. हाँ राइट मयूर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं सफिशियंट नहीं हुआ बेटा, क्योंकि क्या हुआ इसमें आपने सभी नंबर्स ला लिए, 1, 2, 3, 4, 5 है आपने जो बताया उसका. मयूर आपका आंसर रॉन्ग हो गया. अभी कुछ देर के लिए सब लोग टाइप करना रुक जाए, ये वाला क्वेश्चन हो गया है ऐसा मैं समझता हूँ. मैं फिर से बताना चाहूँगा, इसी क्वेश्चन को आप अगर ऐसे भी लिखते हो, लेट मी राइट इट हियर बिलो द पेज, थोड़ा सा देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल, एक्स इज लेस देन 6 and x is multiple of 5, x is multiple of 5. So इस तरीके से भी आपने लिखा तो चलेगा, लेकिन सभी आइडियाज इसमें आ जाने चाहिए. हाँ करेक्ट लब्धि, ये चलेगा, x such that x is multiple of 5 and 5 less than equal to x less than 30, ये भी चलेगा.
सो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो. आई विल लीव दिस टू यू नाउ कि आप लोग इसे ठीक से सॉल्व करो. नाउ आई होप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में आ गया. मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, मेरे हाथ से ये निकल गया यहाँ से. सो इट इज 5 टाइम्स x such that x belongs to n and x is less than equal to 5. आप लोगों को कुछ चीज़ें फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा. मैं यहाँ पर 5x ले रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी x का मल्टीपल 5 ले रहा हूँ. मैं इधर बोल रहा हूँ कि मेरे लिए x कैसा है, x यानी 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एलिमेंट x नहीं है, मेरा एलिमेंट 5 × x है. ठीक है, सभी लोग जिन्होंने अलग अलग आंसर्स बताए वो देखना कि क्या क्या करेक्ट है. मैंने यहाँ पर जैसे बताया अल्टरनेट तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है. राइट, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड बी. बी को लिखने के लिए कई सारे लोगों ने ऐसा बताया, जैसे एक दूसरे के मल्टीपल है 2 × 2. इसको लिखने का और एक तरीका ऐसा है कि अवर आंसर कैन बी रिटन एज एक्स बी इज इक्वल टू 2 to the power x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 4. आप सोचकर देखो मैंने क्या लिखा. Yes, less than equal to 4 लिखो या less than 5 लिखो, आरती करेक्ट आंसर. कैसे लिख सकते हैं हम, या ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम बोल रहे हैं देखो हमारा एलिमेंट क्या है, हमारा एलिमेंट है 2 to the power x. अब 2 to the power x एलिमेंट हो गया, x नेचुरल है, पहली वैल्यू क्या लेंगे 1, 2 to the power 1 आएगा 2, फिर हम लेंगे 2 to the power 2 आएगा 4, फिर हम लेंगे 2 to the power 3 आएगा 8, फिर हम लेंगे 2 to the power 4 आएगा 16 हो गया. सो इस तरीके से हमने ये आंसर लिख लिया जो आई होप आपको अभी ध्यान में आ रहा है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस. सभी लोग, क्या आपको सेकंड क्वेश्चन, यस, थैंक यू संकेत. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यस, सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन विच इज सी. 1, 8, 27, 64, 125, 216. राइट बेटा अवंतिका, ये कैसे लिखा आपने, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल टू 6. नहीं बेटा, इसमें ना 6 आ जाएगा. अवंतिका, सभी लोग जब मैं किसी एक को स्टूडेंट को बात कर रहा हूँ ध्यान में रखिए, ये सभी को सुनना है. अवंतिका आपके आंसर में क्या हो गया, ठीक से पढ़ो. सभी लोग आंसर पढ़ो एक बार, क्योंकि ये आंसर मैंने भी एक बार दे दिया था, सपोज ध्यान में नहीं आता कभी कभी. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो उसमें x की वैल्यू 3 भी आ गई. x की वैल्यू 3 भी आ गई तो उसमें 2 × 3, 6 होगा, लेकिन 6 नहीं है b में. तो इसीलिए आंसर में आप उस तरीके से नहीं लिख सकते हो. हैव यू अंडरस्टूड बेटा. मैंने एक आंसर जो है 2x क्यों नहीं लिख सकते, ऑप्शन बी में आप 2 × x क्यों नहीं लिख सकते, वो समझ में आया क्या आपको, मुझे बताइए. ऑप्शन बी, हाँ राइट, थैंक यू अवंतिका. बाकी सब लोगों को भी ध्यान में आना चाहिए. द रीजन इज कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए हमारे आंसर में, वो ध्यान में रहे. ओके, सो नाउ आई एम सॉल्विंग द सी. सी का आंसर होगा एक्स टू द पावर 3 एक्स क्यूब सच दैट x is natural and x is less than equal to 6, क्योंकि हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके क्यूब्स लिख रहे हैं. यस यस हर्षदा, वेरी गुड. अनुश्री, वेरी गुड. ऑलमोस्ट श्रिया, करेक्ट. सभी लोग सही ढंग से बताते जा रहे हैं. अनुश्री, आपका आंसर में थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है. x less than 6 है, हमें less than equal to चाहिए था. या तो लेस देन 7 लिखो या लेस देन इक्वल टू 6 लिखो. करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर
फोर नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. चलो ठीक से पढ़ते हैं क्वेश्चन. ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ए में ये सभी एलिमेंट है, फिर हमें कौन सी चीजें ट्रू या फॉल्स है पूछा गया है. सो पहला बताइए, फोर्थ का फर्स्ट, ट्रू. यस, तो मैं सिर्फ ट्रू लिख देता हूं, हमें मालूम है इसका मीनिंग क्या है कि टू इज एलिमेंट ऑफ सेट ए. ओके, अब रुक जाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. सेकंड बताना है अभी, सेकंड फॉल्स. यस, सेकंड फॉल्स, क्योंकि नाइन नहीं है यहां पर. सेकंड फॉल्स, यस. आप ऐसे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेकंड फॉल्स हो गया. अब थर्ड बताएंगे आप मुझे, थर्ड कैसा है, ट्रू या फॉल्स. थर्ड ट्रू, थर्ड ट्रू है बेटा. क्यों? हमने लिखा 10 does not belong to A. 10 does not belong to A, ये ट्रू हो गया ना, क्योंकि 10 is not in A. यही तो बोला गया है, यानी ट्रू बोला गया है. ठीक है, कभी कभी गलती से हमें क्या होता है ना कि क्या लिखा है जल्दी से समझ में नहीं आता. सो यस, 10 does not belong to A, ये ट्रू हो गया. देन फोर्थ पार्ट, फोर्थ वाला बताएंगे अब आप, सोच समझ कर बताएंगे. हमने बोला कि वहां पर ऐसा एक नंबर है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स में ऐसा एक, ए में ऐसा एक एलिमेंट है जिससे आप 1 ऐड करो तो 3 का स्क्वायर बनेगा, यानी 9 बनेगा. तो फोर्थ इज ट्रू. यस, फोर्थ इज ट्रू. किसके वजह से ट्रू है? एक्स की वैल्यू 8, देखो आप ठीक से देखो, एक्स की वैल्यू 8 लेंगे तो 8 + 1 = 9 हो जाएगा. 9 यानी 3 स्क्वायर. और हम लोग जब देयर एग्जिस्ट बोलते हैं तो देयर एग्जिस्ट में हम लोग बोलते हैं कि 1 होना चाहिए. वेरी गुड, थैंक यू श्रेयस, 8 बताया आपने, थैंक यू. बाकी सब लोग ट्रू ट्रू ट्रू, यस करेक्ट. हर्षदा थोड़ा सा करेक्ट कर लो आपका थॉट प्रोसेस. हमें सिर्फ देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम ऐसा एक नंबर है ए में जिसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा. राइट, थैंक यू, वेरी गुड. नाउ लेट्स सॉल्व फिफ्थ वन. अब मुझे फिफ्थ वाला बताइए. यस, फिफ्थ वाला ट्रू है. फिफ्थ में हमने क्या बोला? फिफ्थ में हमने बोला कि सभी के सभी, हाँ राइट, यू आर वेरी वेरी क्विक, रियली क्विक, वेरी गुड. सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन में हमने किया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस 1 इज लेस देन 10. तो आप करके देखो, हर नंबर के लिए उसमें 1 ऐड करोगे तो भी वो 10 से छोटा रहेगा, तो ट्रू है. सुनो ठीक से, इसमें अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होता जिसमें 1 ऐड करने से 10 से बड़ा नंबर बन रहा है तो ये फॉल्स हो जाता. देयर एग्जिस्ट में सिर्फ एक में ट्रू हुआ तो भी ट्रू है. फॉर ऑल में लिए सभी के लिए, सभी के सभी को सेटिस्फाई करना जरूरी है. तो चलो सिक्स्थ वाला देखते हैं क्वेश्चन. अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर. वाओ, सो फॉल्स, सिक्स्थ इज फॉल्स. सिक्स्थ फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि एक भी कोई एलिमेंट निकाल लो, जैसे मैंने अगर 1 लिया तो 1, एक्स की वैल्यू 1 ली तो 1 स्क्वायर प्लस 1 होता है 2. लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है. कोई एक भी एलिमेंट के लिए ऐसी चीज नहीं हुई, मतलब ये फॉल्स है. क्योंकि हमने क्या बोला था, ठीक से सुनो, हमने बोला था फॉर ऑल, सभी के लिए होता है. सभी के लिए होता है ऐसा बोलते वक्त हमें क्या बताना जरूरी है? सिर्फ एक भी नहीं रहा तो भी फॉल्स है. नाउ सेवंथ वाला, सेवंथ बताएंगे मुझे. सेवंथ इज ट्रू और फॉल्स? सेवंथ में कई सारे आंसर मुझे मिल रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं ये ट्रू है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये फॉल्स है. तो ये कैसा है एग्जैक्टली? ओके, चलो मुझे बताना पड़ेगा आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंसर ट्रू है, बहुत सारे लोगों का फॉल्स है. थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देंगे तो अब मैं बताऊंगा आंसर. इसका आंसर है फॉल्स.
ध्यान में रखो, टू इज द एलिमेंट, करली ब्रैकेट में टू इज नॉट द एलिमेंट, इन दोनों में फर्क देखो। टू इज द एलिमेंट बट करली ब्रैकेट में टू इज नॉट द एलिमेंट, मतलब क्या? टू इज एलिमेंट बट सेट कंटेनिंग टू इज नॉट एलिमेंट। आप लोग दोनों में फर्क देखो। यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि टू इज एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट है। सेवंथ वाले में बोला गया है कि अ सेट विच कंटेन्स टू इज एलिमेंट ऑफ ए, नो ये नहीं है, करेक्ट, इसीलिए वो फॉल्स है। ध्यान में रखो, सेवंथ फॉल्स है। अगर आपका आंसर ट्रू आया था, इसका मतलब आपने बिलोंग्स टू का सिंबल समझने में थोड़ी सी चूक कर दी, उसको ठीक कर लो। अभी गलतियां अच्छी होती है, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। सुनो ठीक से, टू इज द एलिमेंट बट करली ब्रैकेट में टू यानी सेट कंटेनिंग टू इज नॉट द एलिमेंट, इसीलिए सेवंथ वाला फॉल्स हो गया। ओके, तो जितने भी लोगों ने मुझे ट्रू आंसर बताया था, क्या अब उनको ध्यान में आ गया कि फॉल्स क्यों बोला हमने उसे? हाँ, यस आरती, थैंक यू, आपको समझ में आ गया अब। ओके, सो अब हम लोग इस फर्स्ट असाइनमेंट का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा डे वन का असाइनमेंट था, उसका फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट और सिंगलटन सेट। आपने देखा होगा इनमें दिए हुए सभी के सभी सेट्स कौन से फॉर्म में दिए गए हैं? रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, तो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म में से उसको रोस्टर में लिखो, और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये सिंगलटन सेट है या नल सेट है। तो चलो ए देखते हैं, क्या बोला गया है? ऐसे नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन बट लेस देन थ्री। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आया? सिर्फ टू, इसीलिए ये कौन सा सेट हो गया जिसमें एक ही एलिमेंट होता है? इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हो। अश्विनी, आपने नल सेट बताया, लेकिन नल सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें टू है ना, एक एलिमेंट जब रहता है तो हम उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब आप मुझे बताएंगे सेकंड क्वेश्चन बी। बी में हमने बोला कि ऐसे नंबर्स जिसमें उस नंबर का स्क्वेयर, ऐसे रियल नंबर्स, सुनो ठीक से, क्या है मालूम? मैं आपको बता देता हूं, मैं सबको, आप सभी के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन सोचते वक्त जल्दबाजी करने से हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। बी में एक एलिमेंट है जीरो, ठीक से देखो, और अगर एक एलिमेंट है इसका मतलब इज सिंगलटन सेट, तो सेकंड वाला भी सिंगलटन है। सेकंड भी सिंगलटन हुआ, सेकंड नल सेट नहीं है, सुनो ठीक से, सेकंड नल सेट नहीं है, सेकंड सेट इज सिंगलटन सेट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है, कौन सा? जीरो। आप सभी लोग ध्यान में रखो, हमें बोला गया था कि ऐसे रियल नंबर्स पता करो। बी को ठीक से देखो, बी में बोला गया है ऐसे रियल नंबर्स जिनका स्क्वेयर या तो निगेटिव है या फिर जीरो है, या तो निगेटिव है या फिर जीरो है। निगेटिव तो नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर का स्क्वेयर, लेकिन जीरो यस हो सकता है। ऐसा कौन सा रियल नंबर है? जीरो, मतलब बी में एक एलिमेंट है जीरो, इसलिए वो हो गया सिंगलटन सेट। और अब बात करते हैं सी की। राइट, सो द सी इज, यस सी है वॉइड सेट या नल सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट इन इट, सो सी इज नल सेट।
सी इज नल सेट, क्योंकि क्या बोला गया है सी में हमें बोला गया था ऐसे सभी रियल नंबर्स जो जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, ऐसे सभी रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर निगेटिव हो। ऑब्वियसली यहां पर हमें पता चल गया कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सेट एम्प्टी है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट असाइनमेंट।